फिटनेस ब्यूटी मंत्रा से रिलेटेड हर लेटेस्ट अपडेट के लिए पहले सब्सक्राइब बटन फिर इस बेल बटन को क्लिक करना मत भूलना बॉस। हे गाइस व्हाट्स अप, दिस इज प्रेरणा जानी, यू आर वाचिंग फिटनेस ब्यूटी मंत्रा। और आज जो मैं आपके लिए बेली फैट कटर ड्रिंक की रेसिपी लेकर के आई हूँ, ये बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है और ये जिसके ऊपर भी इफेक्ट देती है उसके ऊपर ये अमेजिंग इफेक्ट देती है। आई नो कि अब आप सोचोगे इस सेंटेंस का क्या मतलब है कि जिसके ऊपर इफेक्ट देती है, तो इस सेंटेंस का मतलब ये है कि इससे रिलेटेड एक इंसिडेंट मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि इससे पहले कि मैं आपसे ये रेसिपी शेयर करूँ, एक्चुअली मैंने ये रेसिपी और ये जो बेली फैट कटर ड्रिंक है ये अपनी फ्रेंड को भी सजेस्ट किया था और उसने भी इसे स्टार्ट किया लेना, और आप बिलीव नहीं करेंगे उसका विद इन अ वीक 2 to 3 inches बेली फैट लूज हुआ, उसके बेली फैट 2 to 3 inches कम हुए। एंड मैं जो कि उससे पहले से भी ये ड्रिंक लेती आ रही थी, वो होता ना कि एक हाफ इंच भी कम होना, मेरी बेली फैट में से हाफ इंच भी कम नहीं हुआ। तो बस मैं यही आपसे शेयर करना चाहती थी ये एक इंसिडेंट कि किसी के ऊपर ये बेली फैट कटर इस ड्रिंक ने इतना अच्छा इफेक्ट किया है और मेरे ऊपर इसने ज़रा सा भी इफेक्ट नहीं किया है, तो मैं तो बड़ी डिसअपॉइंटेड थी अपने लिए। लेकिन हाँ, फिर जब सामने वाले का रिजल्ट देखा तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि यार बहुत अच्छा इफेक्ट मिला है उसको, एंड शी इज़ क्वाइट हैप्पी। तो अब मैं चलिए मैं आपसे ये बेली फैट कटर ड्रिंक शेयर करती हूँ और आप मुझसे शेयर कीजिए कि ये आपके ऊपर कैसा इफेक्ट दे रहा है। सो इस ड्रिंक को बनाने के लिए आपको कोई स्पेशल अरेंजमेंट नहीं चाहिए इंग्रेडिएंट्स की, ये सारे इंग्रेडिएंट्स आपके घर में ही अवेलेबल, आपके किचन में होंगे अवेलेबल। इस बेली फैट कटर ड्रिंक को बनाने के लिए हमें जो सबसे पहला इंग्रेडिएंट चाहिए, जो कि इंग्रेडिएंट है इसका, वो है ब्रिंजल यानी कि बैंगन, जिसे हम एग प्लांट भी बोलते हैं। और अगर आपके पास बड़े साइज़ का ब्रिंजल है तो आप उसे हाफ़ कर लीजिए, हाफ ले लीजिए, और नहीं तो अगर आपके पास छोटे साइज़ का है तो आप छोटा डायरेक्ट पूरा ले लीजिए। अब हम इसे एक पैन में डालेंगे और उसमें पानी रहेगा, पानी यहाँ पे मैंने 3 cups of water लिया है, और जो 3 cups of water से थोड़ा सा ज़्यादा लीजिएगा क्योंकि हम इसे जला के थोड़ा सा रिड्यूस भी करेंगे। देन फिर हम इसमें थोड़ी सी करी लीव्स डालेंगे, और मैंने यहाँ पे ड्राइड करी लीव्स ली है, आप चाहें तो फ्रेश करी लीव्स भी ले सकते हैं, वो ज़्यादा अच्छा होगा। मेरे पास अवेलेबल नहीं था तो मैंने ये यूज़ किया है। नेक्स्ट अब हम इसमें डालेंगे 1/4 teaspoon ऑफ सॉल्ट, मैंने यहाँ पे पिंक हिमालयन सॉल्ट यूज़ किया है, आपको भी पिंक हिमालयन सॉल्ट या फिर सी सॉल्ट यूज़ करना है। देन फिर हम इसमें डालेंगे 1 teaspoon कलौंजी, जो ब्लैक वाली कलौंजी होती है वो। और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार वेट मत करो, आपको पता है कंटेंट अच्छे मिलेंगे, फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर डालो, उसे तोड़ डालो, फोड़ डालो, बस उस लाल डिब्बे को क्लिक कर दो और वो बेल बटन भी क्लिक करना मत भूलना। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को एक बिग थम्स अप दे दीजिए, वो मेरे लिए बहुत मायने रखता है। एंड अगर आपको ये वीडियो वर्दी लगे तो आप इसे अपने फ्रेंड्स, फैमिली एंड सोशल मीडिया लिंक्स पे शेयर भी कर सकते हैं, और आप मुझे मेरे सोशल मीडिया लिंक्स पे भी फॉलो कर सकते हैं लाइक फेसबुक, ट्विटर एंड इंस्टाग्राम। तो अब हम अपनी रेसिपी की तरफ फिर से चलते हैं। अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करके और हाई फ्लेम पे इसे एक बॉयल आने देंगे। इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर दीजिए और एक बॉयल आने दीजिए बिल्कुल हाई फ्लेम पे करके। और जैसा कि अब आप देख सकते हैं इसमें एक बॉयल आना स्टार्ट हो गया है, तो जैसे ये अच्छी तरीके से इसमें बॉयल आ जाए आप फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर दीजिए और उसके बाद इसे लिड से कवर करके इसी तरीके से पकने दीजिए। और थोड़ी देर बाद जब आप चेक करेंगे तो ये एकदम पूरी तरह से देख सकते हैं आप, वाटर का कलर भी चेंज हो गया, थोड़ा सा पानी भी रिड्यूस हो गया, और जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो हमारा बैंगन था वो बिल्कुल अच्छी तरीके से पक गया है, ये आप पूरा देख सकते हैं पूरी तरीके से। जब ये ऐसा हो जाए तो आप फ्लेम को बिल्कुल ऑफ़ कर दीजिएगा, अपने गैस को टर्न ऑफ कर दीजिएगा, और इसे 5 से 10 मिनट तक अगेन लिड को कवर करके इसी तरीके से छोड़ दीजिएगा 5 से 10 मिनट। उसके बाद आप इसे स्ट्रेन करके जो ये सारा इसके सॉलिड पार्ट्स हैं उसको अलग करके ये वाटर निकाल लीजिएगा, और ये हमारा जो है ये बेली फैट कटर ड्रिंक जो टी है हमारी, ये रेडी हो गई है। अब इस टी को आपको लेना कैसे है, इस टी को आपको दिन में 3 बार लेना है। सबसे पहले आपको एम्प्टी स्टमक मॉर्निंग में लेना है, देन सेकेंड आपको इसको लेना है लंच के पहले, लंच के 20 मिनट पहले या आधा घंटा पहले आपको ये 1 cup ड्रिंक ले लेनी है ये टी, और उसके बाद आपको ये टी
पी लेनी है रात में डिनर से पहले, आधे घंटे पहले या 20 मिनट, कम से कम 20 मिनट पहले खाने के। और हर मेजर मील के पहले आपको ले लेना है, सिर्फ जो ब्रेकफास्ट है उसमें नहीं, सिर्फ मॉर्निंग वाला जो है वो आपको एम्प्टी स्टमक लेना है। और यही इसका तरीका है, और ये देखिएगा ये आपको बहुत अमेजिंग इफ़ेक्ट देगा, आई एम श्योर कि ये आपको अमेजिंग इफ़ेक्ट देगा। और आप इसे ट्राई करिए, और ट्राई करने के बाद मुझे बताइए ज़रूर कि आपको कैसा लगा। सो मिलती हूँ मैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की कोई इंटरेस्टिंग टिप्स ट्रिक्स रेमेडी रेसिपी लेकर के। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।